हेलो एवरीवन, वेलकम टू NCERT धमाका 98। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 हिंदी क्षितिज के चैप्टर नंबर 2 लहासा की ओर प्रश्न के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि लघु उत्तरी प्रश्नोत्तर हैं उनको अध्ययन करेंगे। सो पहला क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत है, इसमें बोल रहा है लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की और क्यों की। इसका उत्तर है लेखक ने तिब्बत की यात्रा भिगमंगों के वेश में की क्योंकि उस समय तिब्बत की यात्रा पर प्रतिबंध था। इसके अलावा डांडे जैसी खतरनाक जगह पर डाकुओं से इसी वेश में जान बचाई जा सकती थी क्योंकि वहाँ डाकुओं बहुत ज़्यादा रहते थे, वो मार दिया करते थे, सामान लूट लिया करते थे। प्रश्न नंबर 2, तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक ने क्या क्या नए अनुभव प्राप्त किए। अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक ने पाया वहाँ समाज में छुआछूत पर्दा प्रथा जैसी बुराइयाँ नहीं हैं, वहाँ औरतों को अधिक स्वतंत्रता मिली है, लोगों के क्षण पीने का रिवाज है, बौद्ध धर्म के अनुयायी तिब्बत अंधविश्वासी भी हैं। प्रश्न नंबर 3, तिब्बत यात्रियों के लिए कौन कौन सी अच्छी बातें हैं। तिब्बत यात्रियों के लिए कई अच्छी बातें हैं, जैसे कि लोगों का मूड ठीक होने पर आसानी से रहने की जगह मिल जाती है, औरतें चाय बनाकर दे देती हैं, वहाँ घर में आसानी से जाकर अपने आंखों के सामने चाय बनवाई जा सकती है, महिलाएं भी अतिथि संस्कार में रुचि लेती हैं यानी कि अतिथियों का क्या करती हैं, सेवा करती हैं। प्रश्न 4, तिब्बत में उस समय यात्रियों के लिए क्या क्या कठिनाइयाँ थीं। तिब्बत में उस समय यात्रियों के लिए अनेक कठिनाइयाँ थीं। तिब्बत की यात्रा करने पर प्रतिबंध था। दूसरा, ऊंचे नीचे स्थानों पर आना जाना सुगम नहीं था, आसान नहीं था, भरिया ना मिलने पर सामान उठाकर चलना कठिन हो जाता था, डाकुओं के कारण जान माल का खतरा बना रहता था। प्रश्न नंबर 5, डांडे क्या है, वे सामान्य जगह से किस तरह भिन्न है। तो उत्तर, तिब्बत में डांडे सबसे खतरनाक जगह है, वे 18 फीट ऊंचाई पर स्थित हैं, यहाँ आसपास गांव ना होने से डाकुओं का भय सदा बना रहता है। प्रश्न नंबर 6, डांडे के देवता का स्थान कहाँ था, उसे किस तरह सजाया गया था। डांडे के देवता का स्थान सर्वोच्च स्थान पर था, उसे पत्थरों के ढेर, रंग बिरंगे कपड़ों से की झड़ियों, जानवरों के सिंहों तथा आदियों से सजाया गया था। प्रश्न नंबर 7, लेखक जिस रास्ते से यात्रा कर रहा था वहाँ के किलों को परियक्त क्यों कहा गया है। लेखक जिस रास्ते से यात्रा कर रहा था वहाँ किले बने थे, इन किलों में कभी चीनी सेना रहती थी, आज ये किले देखभाल के अभाव में गिरने लगे हैं, कुछ किसानों ने आकर यहाँ बसेरा बना लिया है, इसलिए परियक्त कहा है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8, इसमें हमसे बोला यात्रा करते समय लेखक और उसके साथियों ने डाकुओं से अपनी जान कैसे बचाई। तो तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक ने झांडे जैसी खतरनाक जगहों पर भिगमंगों का बेस बनाकर यात्रा की और डाकुओं जैसे किसी को भी देखते ही टोपी उतारकर कूची कूची एक पैसा कहकर यह बताता है कि वह भिखारी है यानी कि भीख मांगने लगता है। तिब्बत में डाकुओं को कानून का भय क्यों नहीं है। तिब्बत में हथियारों का कानून ना होने से डाकुओं को हथियार लेकर चलने में कोई कठिनाई नहीं होती। यदि वे किसी की हत्या कर देते हैं तो सुनसान इलाकों में हत्या का कोई गवाह नहीं मिलता और वे आसानी से बच जाते हैं। प्रश्न 10, कंजूर क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद का हस्तलिखित प्रतिया है, यह मोटे कागजों पर सुंदर अक्षरों में लिखी गई है, ये प्रतिभा भारी है, इसका वजन 15-15 सैर तक है। इसी के साथ हमारे लघु उत्तरी प्रश्न पूरी तरह कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब देखेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।